हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करने वाले ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉन एंड सन्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो फिर से उन्होंने कहा है कि ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। उन्होंने फिर से आपको ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019 दिया है, साथ ही साथ नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट को बेस लेके हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो मैं फर्स्ट पेज पर आ रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट, एंड सेकंड पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ऊपर मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ जॉन एंड सन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट पेज पर, बैलेंस शीट सेकंड पेज पर। तो फॉर्मेट रेडी है, राइट। कल मैंने आपको कहा था कि फॉर्मेट रेडी करके रखो, जितना सम खुद से सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करके रखो, तो आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। तो अगर फॉर्मेट रेडी है तो अगले पार्ट पर चलते हैं कि मैं अब एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा एंड उसके लिए ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क करूंगा, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट एडजस्टमेंट जिसमें मैंने कहा है एज यूजुअल क्लोजिंग स्टॉक इज ₹27,000, नो नीड ऑफ अ टिक मार्क। एडजस्टमेंट नंबर 2 में उन्होंने कहा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड मोटर कार 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो हमें मशीनरी एंड मोटर कार को डेप्रिसिएट करना है, तो एक टिक मार्क दे दो मशीनरी पर, एक दे दो मोटर कार पर। तो मशीनरी पर एक टिक मार्क, मोटर कार पर एक टिक मार्क। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 में उन्होंने कहा है क्रिएट RDD 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स पर RDD क्रिएट करो। तो फॉर दैट मैं सन्ड्री डेटर्स पर एक टिक मार्क दे रहा हूँ। साथ ही साथ आई हैव टू चेक कि जब भी RDD की एडजस्टमेंट आएगी या बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट आएगी, तो आई हैव टू चेक कि क्या ट्रायल बैलेंस में पहले से ही बैड डेब्ट्स एंड RDD है, तो उन पर मुझे हैशटैग देना है। तो इस देर नी बैड डेब्ट्स इन द ट्रायल बैलेंस, आंसर इज यस, तो मैं उन बैड डेब्ट्स पर हैशटैग दे रहा हूं कि दिस इज नथिंग बट माय ओल्ड बैड डेब्ट्स। इस देर नी RDD इन द ओल्ड ट्रायल बैलेंस, आंसर इज नो, मीन्स देर इज नो ओल्ड RDD। तो हमारे लिए जब एडजस्टमेंट सॉल्व करने पर सेकंड इफेक्ट देना होगा, एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद जब हम सेकंड इफेक्ट देंगे तो वो काम आसान होगा, राइट। तो देर इज ओल्ड बैड डेब्ट्स, उसमें मैंने हैशटैग दिया, एंड RDD के लिए मैंने क्या किया, डेटर्स पर टिक मार्क किया। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 3 के लिए मार्किंग हो गया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट 4 जिसमें मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 5% पर एनम। ये पहली बार आया हुआ एडजस्टमेंट, तो इसे स्टार मार्क करो, 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट करके मार्क करो, एंड इस एडजस्टमेंट को रिवाइज करो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ड्रॉइंग्स पर आपको 5% से इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इसके लिए आपको कहीं पर भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट हमने इससे पहले सॉल्व किया उसी प्रकार है, बट उसका उल्टा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में बिजनेस बिजनेसमैन से इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द गेन ऑफ बिजनेसमैन एंड इज अ लॉस ऑफ बिजनेस। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गेन ऑफ बिजनेस एंड लॉस ऑफ बिजनेसमैन। तो इसे सॉल्व करने के लिए टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, इसे हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। जैसे कि ड्रॉइंग्स हम कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैपिटल पर अगर कोई एडजस्टमेंट होती है तो हम टिक मार्क नहीं करते, वैसे ही हम कैपिटल इनर कॉलम में हमेशा लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करते वक्त देखते हैं कि इसका डबल इफेक्ट कैसे होगा, राइट। बट इसे स्टार मार्क करो, यानी कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऐसा मार्क करो एंड इसे बार बार रिवाइज करो। फिर एडजस्टमेंट 4 के बाद एडजस्टमेंट 5 क्रिएट डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट क्रिएट करना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स पर टिक मार्क दे दो। फिर एडजस्टमेंट नंबर 6 में कहा है एडवर्टाइजमेंट ₹1,000 इज प्रीपेड, देर इज अ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट पर टिक मार्क करो। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट पर टिक मार्क कर दिया। फिर एडजस्टमेंट नंबर 7 आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1,500, सिंपल रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट देना बाकी है, तो पुट अ टिक मार्क ऑन रेंट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रेंट है, पुट अ टिक मार्क ऑन रेंट। तो मैंने 7 एडजस्टमेंट पढ़ लिए, उन 7 ही एडजस्टमेंट्स के लिए दिस इज माय टिक मार्क। क्रेडिटर पर टिक मार्क आ गया, रेंट पर टिक मार्क आ गया, एडवर्टाइजमेंट पर टिक मार्क आ गया, बैड डेब्ट्स पे हैशटैग आ गया, मशीनरी मोटर कार डेप्रिसिएट करना है उन पर टिक मार्क आ गया, एंड डेटर्स पर RDD क्रिएट करनी है वो भी टिक मार्क आ गया। तो हमने एडजस्टमेंट पढ़ के नेसेसरी टिक मार्क कर लिए। अब मैं इस ट्रायल बैलेंस को बेस लेके हमारे फॉर्मेट में पोस्टिंग करूंगा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइटम जो कि कहा है ड्रॉइंग ऑन 1st July 2018 ₹12,000। अब ड्रॉइंग्स के आगे ब्रैकेट में उन्होंने आपको डेट दी है। अब इस डेट को इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट मत समझो, क्योंकि एडजस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट दी हुई है। तो जो डेट है ये जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे तब काम में आएगी। तो ड्रॉइंग्स की डेट का करना क्या है, तो ड्रॉइंग्स की डेट हम तब यूज करेंगे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस डेट का मतलब अभी कुछ नहीं बनता है, तो अभी इस डेट को चाहिए तो इग्नोर करो, सिंपल कॉन्सेंट्रेट करो ड्रॉइंग्स पर। कितने हैं ड्रॉइंग्स, 12,000 ड्रॉइंग्स है।
ड्राइंग्स का इफेक्ट हम क्या करते हैं, तो ड्राइंग्स हम हमेशा कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैपिटल कहाँ होता है, लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में आपको कैपिटल दिख रहा है क्या, आंसर इज नो। तो मैं पहले लिख रहा हूँ कैपिटल, जिसकी अमाउंट ब्लैंक रख रहा हूँ, एंड नीचे लिख रहा हूँ माइनस ड्राइंग्स 12,000, कि कैपिटल में से हम ड्राइंग्स हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। वही मैंने यहाँ पर दिखाया कि कैपिटल अभी तक मुझे मिला नहीं, तो कैपिटल की वैल्यू इज ब्लैंक, एंड उसके नीचे मैंने ड्राइंग्स की अमाउंट 12,000 लिख ली। जो ब्रैकेट में उन्होंने डेट दी है, जैसे मैंने अभी कहा कि वो डेट कब काम में आएगी, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करोगे, तो इस डेट को अभी इग्नोर करो। मैंने सिंपल ड्रॉइंग्स के 12,000 उठाए एंड कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किए। ड्रॉइंग्स के बाद कैश इन हैंड, सिंपल एसेट उठाओ, एसेट्स में लिखो कैश इन हैंड 8,000। उसके बाद है कैश एट बैंक, सिंपल एसेट उठाओ, एसेट्स में लिखो कैश एट बैंक 20,000। कैश एट बैंक के बाद बिल रिसीवेबल, सिंपल एसेट उठा के एसेट्स में लिखो बिल रिसीवेबल 15,000। उसके बाद है वेजेस, सिंपल मेरा डायरेक्ट खर्चा है, उठाओ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू वेजेस 1800। वेजेस जब भी आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। वेजेस के बाद डिस्काउंट, डेबिट साइड में है तो पी एंड एल के डेबिट में जाएगा, टू डिस्काउंट 700। डिस्काउंट के बाद रेंट, अगेन मेरे लिए खर्चा है, मैं उठा के उसे पी एंड एल के डेबिट में लिख रहा हूँ टू रेंट 2,000। एक लाइन छोड़ के पुट एरो, देयर इज एडजस्टमेंट ऑन रेंट, मैंने अंदर लिखा, एक लाइन छोड़ के डैश। रेंट के बाद एडवर्टाइजमेंट, अगेन खर्चा है, उठाओ पी एंड एल के डेबिट में लिखो टू एडवर्टाइजमेंट इन द कॉलम 3,000। टिक मार्क है, इसलिए मैंने इन द कॉलम में लिखा। एडवर्टाइजमेंट के बाद है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स पे हैशटैग है, तो कीप इट पेंडिंग, उसे हम एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। तो बैड डेब्ट्स को छोड़ दो। बैड डेब्ट्स के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो नाम में इट इज माय खर्चा, तो खर्चा हम कहां लिखेंगे, पी एंड एल के डेबिट में, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 800। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद परचेसेस, तो परचेसेस जब भी आएगा तो आई हैव टू क्रॉस चेक इज देयर एनी परचेस रिटर्न गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर आप क्रेडिट में देखोगे तो देयर इज अ रिटर्न, क्रेडिट में है रिटर्न, परचेसेस डेबिट में है, तो रिटर्न हैज टू बी ऑन क्रेडिट। परचेस डेबिट में तो परचेस रिटर्न हैज टू बी ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में देयर इज अ रिटर्न ऑफ 4,500, नथिंग बट 4,500 इज माय परचेस रिटर्न। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, पहले परचेसेस लिख रहा हूँ 40,000, उससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ माइनस परचेस रिटर्न 4,500, सो माय नेट परचेसेस आउटर कॉलम में आ रहे 35,500। तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न हो गया। परचेसेस के बाद अगला आइटम है मशीनरी, विच इज माय एसेट, उठा के मैंने एसेट्स में लिख लिया इनर कॉलम में 15,000। मशीनरी के बाद देयर इज मोटर कार, टिक मार्क है मोटर कार पर, तो एसेट्स में लिखो इनर कॉलम में 18,000। एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ो, एक लाइन छोड़ के पुट एरो, तो मोटर कार हो गया। मोटर कार के बाद रिटर्न है जो कि डेबिट साइड में है, तो दिस इज नथिंग बट माय सेल्स रिटर्न, तो मैंने उसे सेल्स के नीचे लिखा एज माइनस सेल्स रिटर्न 1200। ये डेबिट साइड है ना ट्रायल बैलेंस की, तो जो डेबिट में दिया हुआ रिटर्न है इज नथिंग बट इट डिनोट्स सेल्स रिटर्न। डेबिट साइड में दिया हुआ रिटर्न इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न, तो मैंने सेल्स के नीचे लिख लिया एज माइनस सेल्स रिटर्न 1200। सेल्स की वैल्यू जब मिलेगी तो उसकी टोटल बाहर लिखते हैं। तो रिटर्न्स हो गया। रिटर्न के बाद सिंपल स्टॉक ऑन 1st April 18 इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक, उठा के मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा। यही जो मैं ब्रैकेट की बात कर रहा था लास्ट एग्जांपल में, कि स्टॉक के आगे ब्रैकेट में जो डेट दिया है उसका कुछ मतलब नहीं है, उसका मतलब है अप्रैल 18, यानी कि जो स्टॉक है ये साल के शुरुआत वाला स्टॉक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है। तो ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही होता है, तो आपको ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट डजंट डिनोट इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक के आगे ब्रैकेट में जो डेट होती है इट डिनोट्स कि वो साल के शुरुआत वाला स्टॉक है, इट इज नॉट इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो स्टॉक ब्रैकेट में अप्रैल का मतलब है या 1st April 18 का मतलब है, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक की जगह उसको लिख लिया। तो स्टॉक के बाद अगला आइटम है डेटर्स, इज माय एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो इनर कॉलम में 35,000, लीव वन लाइन पुट एरो, एक ही टिक मार्क है डेटर्स पे, तो एक ही लाइन आपको छोड़नी है फॉर डेटर्स। डेटर्स के बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इज माय एक्सपेंडिचर, तो मैं पी एंड एल के डेबिट में लिख रहा हूं टू कैरेज आउटवर्ड 1,000। इनवर्ड आउटवर्ड बहुत बार डिस्कस किया हुआ आइटम है, कैरेज इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कैरेज आउटवर्ड के बाद लास्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड इज 6% इन्वेस्टमेंट रुपीज 18,000। अगेन यहां पर ब्रैकेट में डेट दिया है 1st September 2018, तो यहां पर ये इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट बनती है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट खरीदे है वो सितंबर 2018 में खरीदे है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, यस और नो? तो मैंने सितंबर 18 में अगर इन्वेस्टमेंट खरीदे है तो सितंबर 18 से लेके अभी मेरा ईयर एंड हो रहा है मार्च 2019, तो सितंबर 18 से लेके मार्च 19 का इस इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ब्रैकेट में डेट दी है, इसका मतलब है इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। सेम लाइक जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था, उन्होंने वहां पर 8% लोन दिया था, तो लोन की उन्होंने डेट दी थी कि आपने लोन कब लिया है, तो उस लोन पर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, वैसे ही मुझे इन्वेस्टमेंट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बट वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए है क्या, तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए है एसेट,
इन्वेस्टमेंट, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो इट बिकेम माई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एसेट। तो पहले मैं क्या करूंगा, 6% इन्वेस्टमेंट को उठाऊंगा, एसेट्स में लिखूंगा 6% इन्वेस्टमेंट 18,000, इनर कॉलम। इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐड करना है। द लॉजिक इज कि इन्वेस्टमेंट इज माई प्रॉपर्टी, इज माई एसेट, इन इन्वेस्टमेंट पर अब मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने सितंबर में खरीदे हुए इन्वेस्टमेंट जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है या सिंपल ब्रैकेट में दिया है इन द ट्रायल बैलेंस। तो सितंबर 18 से लेके मार्च 19 तक जितना पीरियड बनता है, इस पीरियड का मुझे इन इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर मैं कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो उन इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है। अब यहां पर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट क्यों बनी, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में डेट दी है कि आपने इन्वेस्टमेंट कब खरीदे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट मैंने सितंबर 18 में खरीदे हैं, तो सितंबर 18 से लेके मार्च 2019 तक का जितना पीरियड बनता है, उतने पीरियड का मुझे इन इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये बन गई इसकी इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। तो इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है, तो इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट सिंपल कहती है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अक्रूड, अक्रूड यानी कि आना बाकी है, फ्रॉम 1st September 18 टू 31st March 19। 1 September 2018 से लेके मार्च 19 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड का हमें इन इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट आना बाकी है। इंटरेस्ट आना बाकी इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट देना बाकी इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ड्यू। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में कहा था कि जो 8% लोन था उस पर इंटरेस्ट ड्यू था, यानी कि मुझे इंटरेस्ट देना बाकी था, बट इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट आना बाकी है, तो इट विल बी टर्म्ड एज इंटरेस्ट अक्रूड। मुझे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलना बाकी है फॉर अ पीरियड 1st September 18, जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदे तब से लेके मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31st March 19, उस दिन तक का मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो सितंबर 18 टू मार्च 19 अगर आप मंथ्स काउंट करोगे तो वो मंथ्स आते हैं 7 months, तो नथिंग बट इन इन्वेस्टमेंट पर 7 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलना बाकी है। चाहे तो आप उंगलियों पर काउंट करो कि सितंबर 1 को मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदे तो सितंबर पूरा पकड़ना पड़ेगा, तो सितंबर पूरा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 31st, तो मार्च भी पूरा काउंट करना पड़ेगा, सो इट बिकेम 7 months। तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स पर 7 महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, गेटिंग इट। तो ये 7 महीने का इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 6% कि इन्वेस्टमेंट पर 6% से आपको इंटरेस्ट मिलता है। 6% इन्वेस्टमेंट है मतलब इन्वेस्टमेंट पर आपको 6% से इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 18,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है, तो सिंपली 18,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर मुझे 6% से इंटरेस्ट मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 7 months। तो 18,000 के इन्वेस्टमेंट पर 6% से 7 months का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो इसका कैलकुलेशन इज सिंपल, माय इन्वेस्टमेंट्स आर 18,000 मल्टीप्लाइड बाय मुझे उस पर 6% से इंटरेस्ट मिलने वाला है। 6% कहाँ से आया, तो 6% इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने क्वेश्चन में दिया 6% इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट कैरीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6% कि आपको सालाना हर साल 6% से इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो मेरी इन्वेस्टमेंट 18,000, उस पर मुझे ईयरली 6% इंटरेस्ट मिलेगा, बट अभी इन्वेस्टमेंट खरीद के पूरा 1 साल हुआ है क्या, आंसर इज नो, केवल 7 महीने हुए हैं, तो इसमें से मुझे केवल 7 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, विच इज नथिंग बट 7/12। तो 18,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर 6% से 7 months का इंटरेस्ट बनता है ₹630। तो जो मेरे 18,000 के इन्वेस्टमेंट एसेट्स में दिख रहे हैं, इन पर मुझे 630 रुपीज का इंटरेस्ट आना बाकी है, इंटरेस्ट अक्रूड है। तो वो मैं अपने इन्वेस्टमेंट में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। इंटरेस्ट की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, कि मैंने बैंक में पैसे रखे तो इंटरेस्ट की वजह से मुझे जब पैसा वापस मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा ना, सो इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स में ऐड करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं प्लस इंटरेस्ट अक्रूड ₹630। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम में आ रहा है 18,630 कि मैंने 18,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, उस पर 630 रुपीज इंटरेस्ट आना बाकी है, सो माई टोटल इंटरेस्ट इज 18,630। बट जो 630 है ये हमने एज ए इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट सॉल्व किया है, तो इस 630 रुपीज का मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो सेकंड इफेक्ट देने के लिए बस मुझे इतना ही सोचना है कि 630 रुपए मेरे लिए क्या है, तो ये मेरे लिए इनकम है, मुझे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये मेरे लिए फायदा है। या द लॉजिक इज इन्वेस्टमेंट इज माय एसेट, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, एसेट इंक्रीज हुआ, प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई, तो मेरे लिए फायदा है। तो 630 रुपीज इज माय गेन, इनकम, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स को हम लिखते हैं P&L के क्रेडिट में। तो जो 630 रुपीज मेरा इंटरेस्ट का गेन है या इंटरेस्ट की वजह से फायदा है, वो मैं लिख रहा हूँ P&L के क्रेडिट में एज बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट
₹630 है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹630 कि ₹630 मुझे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा, इज माई गेन, मेरा फायदा, तो P&L के क्रेडिट में लिख लिया। तो ये मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दिया। ट्रायल बैलेंस में, अभी भी हम ट्रायल बैलेंस में, हम एडजस्टमेंट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लास्ट आइटम दिया था उन्होंने 6% इन्वेस्टमेंट, उस पर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट बनी कि उन्होंने डेट दी है इन्वेस्टमेंट की, तो हमने कैलकुलेट किया तो 7 महीने का इंटरेस्ट आना बाकी है, विच इज 630, तो वो 630 का मैंने डबल इफेक्ट दिया। तो इसके साथ साथ हमारा डेबिट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट का पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर, विच इज नथिंग बट माई लायबिलिटी, उठा के मैंने उसे लायबिलिटी में लिख लिया। सन्ड्री क्रेडिटर 40,000 टिक मार्क है, इसलिए मैंने उसे इनर कॉलम में लिख लिया। तो क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर के बाद देयर इज अ रिटर्न ऑफ 4,500 विच इज नथिंग बट परचेस रिटर्न, जो ऑलरेडी हम परचेस से सबट्रैक्ट कर चुके हैं तो उसे इग्नोर करो। रिटर्न्स के बाद इट इज डिविडेंड। डिविडेंड इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में अगर आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन ऐसा दिया जाएगा तो इसका मतलब ये डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन आपको मिला, इट इज योर इनकम, इट इज योर गेन, तो डिविडेंड इज मेरा फायदा, गेन है, तो मैंने उसको उठा के P&L के क्रेडिट में लिखा। ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट साइड का आइटम डिनोट करता है लायबिलिटी एंड इनकम। यस और नो, क्रेडिट साइड का आइटम क्या डिनोट करता है, लायबिलिटी एंड इनकम। तो ये लायबिलिटी तो नहीं हो सकती, डिविडेंड कैन नॉट बी लायबिलिटी, तो डिविडेंड क्या बन गया मेरे लिए, इनकम। इनकम कहां लिखते हैं, P&L के क्रेडिट में, तो मैंने लिख लिया बाय डिविडेंड ₹100। तो डिविडेंड हो गया। सेम इज अगला आइटम रेंट। क्रेडिट में दिया है मतलब मुझे रेंट मिला, इट इज माई गेन, इनकम, तो मैं उसे P&L के क्रेडिट में लिखूंगा। अगर रेंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में होता तो हम खर्चा कहते हैं ना, अगर रेंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है तो मेरे लिए इनकम है, उल्टा है ना, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रेंट है, डेबिट में नहीं है, तो उसे P&L के डेबिट में मत लिखो, गलत हो जाएगा। ये क्रेडिट में है, रेंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है, तो इट इज़ माई इनकम, तो मैंने उसे P&L के क्रेडिट में लिखा। रेंट के बाद सेल्स, हमें पता है सेल्स कहाँ लिखते हैं हम, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय सेल्स 53,200 माइनस सेल्स रिटर्न 1200, तो माई नेट सेल्स आफ्टर कॉलम में 52,000। सेल्स रिटर्न ऑलरेडी हमने डेबिट साइड के पोस्टिंग के वक्त लिखे थे, अब सेल्स की वैल्यू मिल गया तो मैंने सेल्स रिटर्न सबट्रैक्ट करके नेट सेल्स बाहर लिखे 52,000। सेल्स के बाद नेक्स्ट इज बैंक लोन, लोन यानी कि कर्जा, तो मैंने उसको उठा के लायबिलिटी में लिख लिया बैंक लोन 5,000। बैंक लोन के बाद अगला आइटम है कैपिटल। हमें पता है कैपिटल हमेशा लायबिलिटी फर्स्ट लाइन पर जाएगा, तो मैंने लिखा कैपिटल 99,700 माइनस ड्रॉइंग्स हमने पहले लिखे हुए 12,000, तो 99,700 माइनस 12,000 मेरे नेट कैपिटल नीचे बच रहा है 87,700। सो कैपिटल आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑफ ड्रॉइंग्स इज 87,700। तो यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का भी पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब हम फटाफट चलते हैं ऑन दी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वन में उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक ₹27,000, सिंपल क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 27,000 का अवेलेबल है, तो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट, एक ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा, दूसरा एसेट में जाएगा, तो मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक 27,000 एंड एसेट्स में लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक 27,000, सिंपल क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट, इस पर कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो एडजस्टमेंट वन हो गया। एडजस्टमेंट टू में कह रहे हैं चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, मोटर कार 5%। ये भी सिंपल एडजस्टमेंट है, बहुत बार की हुई एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन आपको एसेट्स में से सबट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं चार्ज कर रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मेरे पास 15,000 की मशीनरी है, तो 15,000 का 10% इज 1500, तो मैं मशीनरी में लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन 1500, सो माय नेट मशीनरी आउटर कॉलम में आ रही है 13,500। उसी प्रकार से उन्होंने कहा है मोटर कार पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, मेरे पास मोटर कार है 18,000, तो 18,000 पर 5% इज नथिंग बट 900, तो मैं मोटर कार से सबट्रैक्ट कर रहा हूं लेस डेप्रिसिएशन 900, सो मेरा नेट मोटर कार आउटर कॉलम में आ रहा है 17,100। सिंपल, तो मैंने मशीनरी को डेप्रिसिएट किया, मोटर कार को डेप्रिसिएट किया, अब इन दोनों डेप्रिसिएशन का मुझे सेकंड इफेक्ट देना है। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हम कहां लिखते हैं, P&L के डेबिट में। डेप्रिसिएशन का हमेशा सेकंड इफेक्ट कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो मैं P&L के डेबिट में लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके मशीनरी, अंडरलाइन करके मोटर कार, दोनों की मिला के टोटल आउटर कॉलम में 2400। तो मशीनरी इज ₹1500 डेप्रिसिएशन, मोटर कार इज ₹900 डेप्रिसिएशन, दोनों डेप्रिसिएशन को उठाया P&L के डेबिट में पोस्ट किया, टोटल डेप्रिसिएशन आउटर कॉलम में आया 2400। सिंपल, तो यहां पर एडजस्टमेंट टू का डबल इफेक्ट हुआ। एडजस्टमेंट थ्री में उन्होंने कहा है कि क्रिएट RDD 5% ऑन डेटर्स, तो हमें डेटर्स पर RDD क्रिएट करनी है। क्या क्वेश्चन में कहीं पर उन्होंने बैड डेट्स की एडजस्टमेंट दी है,
आंसर इज नो। अगर बैड डेप्स की एडजस्टमेंट होती तो हम पहले डेटर से क्या करते हैं, बैड डेप्स सब्ट्रैक्ट करते फिर आरडीडी सॉल्व करते, बट क्वेश्चन में बैड डेप्स नहीं है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डायरेक्टली आरडीडी का एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा कि मुझे डेटर्स पर 5% का आरडीडी क्रिएट करना है, तो मेरे पास डेटर्स अवेलेबल है 35,000, तो उन 35,000 के डेटर्स पर मुझे 5% आरडीडी प्रोवाइड करनी है, नथिंग बट 35,000 इनटू 5% इज 1,750, तो मैं अपने डेटर्स से लिख रहा हूँ माइनस आरडीडी 5% 1,750, सो माई नेट डेटर्स टू आउटर कॉलम इज 33,250। सिंपल कि डेटर्स में से मैंने क्या किया, आरडीडी सब्ट्रैक्ट की, तो मेरा टोटल डेटर्स बाहर आ रहा है 33,250, सो आरडीडी सब्ट्रैक्ट करने के बाद डेटर्स इज 33,250। बट ये आरडीडी का सिंगल इफेक्ट हुआ, ये आरडीडी का एक इफेक्ट हुआ, दिस इज विल बी टर्म्ड एज माई न्यू आरडीडी। अब इस न्यू आरडीडी का मुझे क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है, बट सेकंड इफेक्ट देने से पहले हैशटैग वाले मुझे आइटम्स कंसिडर करने फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, तो एक ही हैशटैग वाला आइटम दैट इज ओल्ड बैड डेप्स। अब इज देयर एनी ओल्ड आरडीडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, आंसर इज नो, तो हमारा सेकंड इफेक्ट काफी सिंपल बनेगा कि न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेप्स को ऐड करो एंड पीएनएल के डेबिट में पोस्ट करो। यहां पर हमारे पास ओल्ड आरडीडी अवेलेबल नहीं है तो हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अगर ओल्ड आरडीडी होती तो फिर हम कंपेयर करते कि ओल्ड आरडीडी बड़ा है या छोटा है कंपेयर टू अदर थ्री आइटम्स, बट यहां पर ओल्ड आरडीडी नहीं है तो न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेप्स को मैं क्लब करूंगा एंड पीएनएल के डेबिट में पोस्ट करूंगा, तो मैं लिख रहा हूं टू ओल्ड बैड डेप्स ₹1200 प्लस न्यू आरडीडी ₹1750, दोनों मिला के 2950 आउटर कॉलम में आए, तो ओल्ड बैड डेप्स प्लस न्यू आरडीडी इज 2950 इन पीएनएल अकाउंट डेबिट, तो यहां पर मेरा एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट हो गया। तो यहां पर मेरी थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। चलते हैं ऑन द फोर्थ एडजस्टमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 5% पर एनम, कि आपको ड्रॉइंग्स पर 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो वेर आर माई ड्रॉइंग्स, तो यू कैन सी इन लायबिलिटी साइड मेरे पास ड्रॉइंग्स है 12,000, तो सिंपली मुझे 12,000 पर क्या करना है, 5% से इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितने परसेंट से इंटरेस्ट चार्ज करना है, 5% पर एनम, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखो कि मेरे पास ₹12,000 के ड्रॉइंग्स है जिस पर मुझे एडजस्टमेंट के हिसाब से 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जब हमने ड्रॉइंग्स पोस्ट किया था, मैंने कहा था ड्रॉइंग्स के आगे ब्रैकेट में डेट दी है, वो जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब काम में आएगी, तो वो डेट उन्होंने दी है आपको ट्रायल बैलेंस में 1 जुलाई 2018, ड्रॉइंग्स 12,000 लेकिन ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स की डेट दी है 1 जुलाई 2018, तो इसका सिंपल मतलब है आपको 12,000 पर 5% से इंटरेस्ट चार्ज करना है एज पर दी एडजस्टमेंट, बट यू हैव टू कंसीडर द डेट, मतलब नथिंग बट जिस दिन से आपने ड्रॉइंग किया उस दिन से लेके 31st मार्च 2019 तक का जितना पीरियड बनता है उतने पीरियड के लिए ही आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहले मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं फिर इंटरेस्ट का डबल इफेक्ट देखते हैं, इज दिस क्लियर, कि पहले मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं कि भाई मेरे ड्रॉइंग्स तो 12,000 है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ड्रॉइंग्स जुलाई 2018 में की है, तो मैं ड्रॉइंग्स पर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो जुलाई 18 से लेके मार्च 19 तक का जो पीरियड बनता है उतने पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो ये पीरियड कितना है, तो नथिंग बट जुलाई 18 टू मार्च 19 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पीरियड मिलता है 9 months, कि मैंने जुलाई 2018 में ड्रॉइंग्स किया था एंड मेरा ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 19, तो 9 महीने का इंटरेस्ट बनता है। वही मैंने आपको यहाँ पर कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज फॉर पीरियड ऑफ जुलाई 18 टू मार्च 19 विच इज अ पीरियड ऑफ 9 months, तो मुझे अपने ड्रॉइंग्स पर केवल 9 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मेरे ड्रॉइंग्स है कितने, 12,000, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, एडजस्टमेंट में देखो उन्होंने कहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 5% पर, तो मुझे 12,000 पर 5% से इंटरेस्ट चार्ज करना है बट फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months, तो हाउ मच इज माय इंटरेस्ट, तो सिंपल मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि मेरा ड्रॉइंग से 12,000 उस पर मुझे 5% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months, कि 12,000 के ड्रॉइंग्स पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9 महीने के लिए मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो कैलकुलेट करने पर इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे ₹450, कि मुझे अपने ड्रॉइंग्स पर ₹450 का इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, ₹450, कि मैंने ड्रॉइंग्स किए जुलाई 2018 में, मेरा ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 19 में, तो जुलाई 18 टू मार्च 19 जितने महीने बनते हैं उतने महीने का इंटरेस्ट मुझे ड्रॉइंग्स पर चार्ज करना है जो कि है ₹450, तो 12,000 इज ड्रॉइंग्स,
उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% गिवन इन द एडजस्टमेंट एंड 9 महीना पीरियड है कि ड्रॉइंग्स करके टोटल 9 महीने हुए तो 450 रुपीज इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मुझे सोचना है कि इसका डबल इफेक्ट क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जैसे ड्रॉइंग्स हम कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हम कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 450 काट के नीचे कैपिटल बचा 87,250। सिंपल, ड्रॉइंग्स सब्ट्रैक्ट होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी सब्ट्रैक्ट होगा। ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले तो उसका कैपिटल कम होगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब है बिजनेस ने बिजनेसमैन से उस ड्रॉइंग्स पर 450 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया तो ये बिजनेसमैन का नुकसान है, तो बिजनेसमैन का नुकसान उसके कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर बिजनेसमैन को फायदा होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेसमैन को नुकसान होगा तो कैपिटल घटेगा, एज सिंपल एज दैट। तो जैसे कि अगर नेट प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते हैं, नेट लॉस होता है तो हम कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रिंसिपल पर बिजनेसमैन के लिए नुकसान हो रहा है तो वो उसके कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा। बिजनेसमैन का नुकसान है बट ऑन द अदर हैंड ये बिजनेस का गेन है। सेपरेट एंटिटी कांसेप्ट, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस का, जो हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये बिजनेस का बना रहे हैं। सिर्फ इसमें कैपिटल डिनोट्स द ओनर यानी कि बिजनेसमैन का पैसा इन द बिजनेस, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब है कि बिजनेस बिजनेसमैन से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो ये बिजनेस का कहलाएगा गेन। ये एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट जब हमने सॉल्व की थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड किया था एंड उसे P&L के डेबिट में लिखा था क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का नुकसान है तो उसे हमने P&L के डेबिट में लिखा था। ऑन दी अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस का फायदा है तो वो P&L के क्रेडिट में जाएगा। पहला इफेक्ट वो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा एंड सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि ये बिजनेस का फायदा है। तो जो 450 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है उठा के मैं P&L के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹450। सो दिस इज हाउ माई डबल इफेक्ट शुड अपियर फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कि पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट किया एज पर द गिवन डेट, 9 महीने बनते हैं तो 9 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बना 450। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पहला मैंने कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया एंड दूसरा P&L के क्रेडिट में लिख लिया। यहाँ पर मेरा डबल इफेक्ट हुआ फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 4। अब फटाफट चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 5 जिसमें मैंने कहा है क्रिएट अ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एट 3%। क्रेडिटर से 3% डिस्काउंट काटो। तो वेयर आर माय क्रेडिटर्स? तो लायबिलिटी में देखो मेरे पास 40,000 के सन्ड्री क्रेडिटर है तो इस 40,000 में मुझे क्या करना है 3% डिस्काउंट कट करना है। तो 40,000 का 3% कितना बनता है? तो 40,000 into 3% इज नथिंग बट 1,200। तो मैं क्रेडिटर से रिजर्व फॉर डिस्काउंट कट कर रहा हूँ 1200। सो माय नेट क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में आ रहे 38,800। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ एडजस्टमेंट है कि क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करो। क्रेडिटर्स को मुझे 40,000 रुपए देने थे, अब 40,000 में से मुझे 3% डिस्काउंट मिलेगा तो 3% से मेरे क्रेडिटर्स कम होंगे, नथिंग बट 1200 से मेरे क्रेडिटर कम होंगे तो आउटर कॉलम मेरे क्रेडिटर्स बच रहे 38,800। अब क्रेडिटर्स से मैंने डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया तो डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स कम हुए। क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हुई मतलब मेरा फायदा है। मुझे क्रेडिटर्स को देने थे 40,000 लेकिन मेरा ऐसा अंदाजा है कि उसमें से 1200 रुपए मुझे शायद नहीं देने पड़ेंगे तो ये मेरे लिए फायदा बनेगा ना। जब मुझे किसी को पैसे देते वक्त अगर कम पैसे देने हैं तो मेरे लिए गेन है। 40,000 के बदले में मैं अगर 38,800 पे करूंगा तो मेरे लिए फायदा है। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बिकेम माय गेन, तो उसे उठा के मैं सेकंड इफेक्ट दूंगा P&L के क्रेडिट में बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ₹1200। डिस्काउंट मैंने क्रेडिटर से काटा तो क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हुई मेरे लिए फायदा है। फायदा हम कहां लिखते हैं? P&L के क्रेडिट में। तो पहला मैंने डिस्काउंट क्रेडिटर से सब्ट्रैक्ट किया एंड दूसरा इफेक्ट मैंने उसे P&L के क्रेडिट में दे दिया तो डिस्काउंट का डबल इफेक्ट हो गया। कि तो एडजस्टमेंट 5 थी जिसमें मैंने कहा था कि डिस्काउंट क्रिएट करो ऑन क्रेडिटर्स, वो मैंने क्रिएट कर दिया तो एडजस्टमेंट 5 हो गई। एडजस्टमेंट 6 में उन्होंने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट ₹1,000 इज प्रीपेड। तो प्रीपेड हमने बार बार सॉल्व किया। प्रीपेड मतलब हम क्या करते हैं? खर्चे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड सेकंड इफेक्ट एसेट्स में देते हैं। तो वही मैं कर रहा हूँ कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ माइनस प्रीपेड ₹1,000। सो माई नेट एडवर्टाइजमेंट बाहर बचा 2,000 एंड प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट आएगा ऑन दी एसेट साइड। तो मैं एसेट्स में लिख रहा हूँ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ₹1,000। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एडजस्टमेंट 6 का मैंने डबल इफेक्ट दे दिया कि प्रीपेड मैंने पहले एडवर्टाइजमेंट से सब्ट्रैक्ट किया एंड सेकंड इफेक्ट एसेट्स में दे दिया। सिंपल एडजस्टमेंट 6। एडजस्टमेंट 7 इज आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1,500। प्रीपेड का उल्टा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग हम खर्चे में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मैं रेंट में लिख रहा हूं प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1,500। सो माय टोटल रेंट आउटर कॉलम बच रहा है 3,500 एंड आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है तो इट बिकेम माय लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का सेकंड इफेक्ट में दे रहा हूं लायबिलिटी में एज आउटस्टैंडिंग रेंट
1500, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट का भी डबल इफेक्ट हो गया, यानी कि एडजस्टमेंट 7 का भी डबल इफेक्ट हुआ। सो वी आर डन विद ऑल द एडजस्टमेंट। अब सिंपल हमें एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, स्टार्टिंग विद ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 31,700, जिसे मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, एंड इमीडिएटली उसको उठा के मैं P&L के क्रेडिट में लेके आ रहा हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 31,700। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसे P&L के क्रेडिट में लेके आया, अब फटाफट मैं P&L अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूँ। P&L अकाउंट को बैलेंस करने पर भी मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है विच इज 20,930। अगेन P&L का क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, जिसे मैं कह रहा हूं टू नेट प्रॉफिट। सिंपली इस नेट प्रॉफिट को उठाऊंगा, कैपिटल में ऐड करूंगा, प्लस नेट प्रॉफिट 20,930। सो माय फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल आउटर कॉलम में आ रहा है 1,08,180। कितना आ रहा है? 1,08,180 इज माई फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब मुझे सिंपली क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। तो बैलेंस शीट को टैली करने के लिए मैं फिर से एसेट साइड का टोटल लूंगा, लायबिलिटी साइड का टोटल करूंगा। अगर दोनों साइड का टोटल सेम है, मतलब मेरा बैलेंस शीट टैली हुआ, तो अगर आप बैलेंस शीट की एसेट एंड लायबिलिटीज को रफली टोटल करते हो तो आपको टोटल मिल रहा है 1,53,480। एसेट्स का टोटल भी है 1,53,480, लायबिलिटीज का टोटल भी है 1,53,480। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 12 भी टैली हुआ, राइट? आपका काम है इस 12th एग्जाम्पल को फिर से एक दो बार रिवाइज करो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नई एडजस्टमेंट थी फिर से उसे एक दो बार रिवाइज करो। कल हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 13। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 13 के लिए आप फिर से क्या करो, फॉर्मेट रेडी करके रखो, ट्रायल बैलेंस पढ़ो, एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट्स के लिए ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क करके बेस तैयार करके रखो, एंड अगर पॉसिबल है तो ट्रायल बैलेंस के जितने आइटम आप पोस्ट कर सकते हो उनको पोस्ट करके रखो। जितने डाउट्स है वो कल जब हम सम डिस्कस करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो होमवर्क के लिए प्रैक्टिकल 13 का बेस बना के रखो, पोस्टिंग करके रखो, राइट? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, see you, bye.